नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों के तूफानी बुलेटिन सुपरफास्ट 88 में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुंबई दौरे पर हैं, जहां आज सुबह उन्होंने सिद्धि विनायक मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। गुजरात के सूरत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों के सलाम कार्यक्रम में शिरकत की। सेना में 24 राज्य के सेना में शहीद हुए 120 शहीद जवानों के परिवारों को सम्मानित किया गया और चेक भी वितरण किए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन सूरत के वीर जवान ट्रस्ट ने किया। इस दौरान अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। शासन चलाने के साथ ही योगी सरकार के मंत्री अब मैनेजमेंट के गुर भी सीख रहे हैं। IIM लखनऊ में यूपी सरकार के सभी मंत्रियों की क्लास जारी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकार के मंत्रियों के साथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM लखनऊ सरकार के मंत्रियों को सुशासन और मैनेजमेंट का पाठ पढ़ा रही है। पहले चरण में मंत्रियों के साथ बैठकर सुशासन का रोडमैप तैयार करने के लिए बैठक हुई थी। आज सभी मंत्रियों और अधिकारियों को भी आज इस बैठक में शामिल किया गया है। देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील क्षेत्र के बापू इंटर कॉलेज में आज पूर्व सांसद स्वर्गीय हरिकेवल प्रसाद कुशवाहा की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें लाखों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आना था, लेकिन वह किसी कारणवश नहीं आ पाए। फोन से लोगों को उन्होंने संबोधित किया। कार्यक्रम स्थल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आए हुए थे, लोगों को उन्होंने संबोधित किया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी आज अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि हिंदुओं के मूलभूत अधिकार मुसलमानों के संपत्ति के अधिकार से बहुत ऊपर है। उन्होंने आगे कहा कि किसी के मूलभूत अधिकार और साधारण अधिकार में यदि सामना होगा तो सुप्रीम कोर्ट मूलभूत अधिकार को ही प्राथमिकता देगा। अयोध्या में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर भड़क गए। खत्री ने कहा बीजेपी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि चिदंबरम के अलावा अभी कई और कांग्रेस नेता जेल जाने के लाइन में हैं और सोनिया गांधी को भी अलीबाबा 40 चोर बताया था। वाराणसी में BHU में एक बार फिर से बवाल हुआ है। BHU के सिंह द्वार को बंद कर छात्राओं ने प्रदर्शन कर रहे हैं। छेड़खानी के आरोपी प्रोफेसर SK चौबे की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। छात्रों के मुताबिक प्रोफेसर पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा था, लेकिन BHU प्रशासन ने उन्हें दोबारा से बुला लिया है। छात्राओं का आरोप है कि VC ने मामला दबाने के लिए उन्हें छुट्टी पर भेजा था। सहारनपुर से एक 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके जेठ ने उसके साथ रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मायके के पक्ष को बताने के बाद मामला पंचायत में पहुंचा, जिसके बाद भाई की बेइज्जती होने से गुस्सा युवक ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी की बाढ़ में अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। जिले के 40 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक संपर्क मार्गों में पानी पहुंच चुका है। निचले इलाके में बसे लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक घर जमींदोज हो चुके हैं और कई घर जमींदोज होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से लोग सड़कों में खुले आसमान के नीचे परिवार के साथ रहने को मजबूर हैं। आगरा में चंबल नदी में पानी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। इस बार चंबल नदी ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है, जिससे निचले इलाकों के गाँव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी के रौद्र रूप को देखते हुए ग्रामीण अपने घरों से सामान लेकर पलायन करने लगे हैं। दरअसल कोटा बैराज से करीब 6 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से चंबल नदी अपने पूरे उफान पर है। कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र के PSIT में एक BCA फर्स्ट ईयर के छात्र ने 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पढ़ाई को लेकर तनाव की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में एक युवक धारदार हथियार के निशान लगा हुआ शव सड़क किनारे पड़ा मिला। हत्या के बाद शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। कालपी कोतवाली का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। गोरखपुर पुलिस ने महिला संबंधित अपराधों की रोकथाम के साथ छेड़खानी घटना को रोकने के मकसद से एक नई पहल की है। पुलिस अब शहर में शोधों को रेड कार्ड देकर सुधरने की चेतावनी दे रही है। पब्लिक प्लेस, पार्कों और कोचिंग सेंटरों के आसपास मंडराने वाले शोधों को रेड कार्ड जारी किया जा रहा है। लखनऊ के विकास नगर में बुर्का पहनकर घूम रहे युवक को पुलिस ने राहगीरों की मदद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को चकमा देकर वो भागने की कोशिश कर रहा है।
सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के बैनर तले बनी फिल्म आयशा का रिलीज से पहले ही मुस्लिम समुदाय ने विरोध शुरू कर दिया है। फिल्म के विवादित ट्रेलर में आपत्तिजनक सीन डाल दिए जाने के बाद मुस्लिम समुदाय में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र में एक कच्चे मकान की छत गिर गई। इस हादसे में मलबे में 5 लोग दब गए। वहीं छत गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सभी को बाहर निकाला गया। घायलों में से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। शाहजहांपुर में वकीलों की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां मुकदमे की तारीख के विवाद में वकीलों ने कोर्ट के अंदर से पेशकार घसीटते हुए बाहर ले आए और इसकी जमकर पिटाई कर दी। कोर्ट में मारपीट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पेशकार को वकीलों के चंगुल से आजाद कराया। मुरादाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर में वेल्डिंग के दौरान पेट्रोल टैंक में विस्फोट हो गया। बताया जा रहा है कि वेल्डर टैंक को वेल्ड कर रहा था, इस दौरान टैंक में गैस बनने की वजह से उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट में वेल्डर इमरान की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से 3 तमंचे, 1 मस्कट राइफल और 10 कारतूस बरामद किए। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 15,000 का इनामिया बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है। थाना सदर बाजार के क्षेत्र मलहीपुर रोड की है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब बाइक सवार बदमाश को रोकना चाहा तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के दौरान 1 बदमाश पकड़ा गया, जबकि उसका साथी फरार। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात बदमाश ने एक युवक को उसके घर के सामने गोली मार दी। गंभीर हालत को देखते हुए युवक को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। लखनऊ के में राजाजीपुरम में घर के दरवाजे पर खड़ी महिला से बाइक सवार मोटरसाइकिल चेन लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद। सहारनपुर देहात में जेठ द्वारा रेप करने की शिकायत किए जाने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। एसपी ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। नोएडा में शाकाहारी की जगह परोसा गया मांसाहारी खाना। छात्रों ने हॉस्टल में काटा हंगामा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। वाराणसी में एक बार फिर से उफान पर है गंगा नदी। लगातार बढ़ रहे जलस्तर के चलते 80 से लेकर 10.1 घाट तक पानी समा गया है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से मुख्य प्लेटफॉर्म और पैदल टहलने वाला प्लेटफॉर्म भी गंगा में समा चुका है। ऐसे में लोग सड़क से नीचे उतरकर ही गंगा मां का स्नान कर रहे हैं। मुख्य प्लेटफॉर्म के आगे रस्सी बांधकर नावों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। वहीं दशाश्वमेघ घाट पर एक बार फिर से गंगा आरती की जगह बदल दी गई। प्रयाग नदियां अब खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर नीचे हैं, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज रात तक खतरे के निशान तक ये पहुंच जाएंगी। नदियों में आई बाढ़ ने अभी से तबाही मचानी शुरू कर दी। बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सभी बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। जिले के राजघाट बाढ़ से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं माता टीला और गोविंद सागर बांध के भी गेट खोलकर लगातार पानी की निकासी की जा रही है। हालांकि जिले में बारिश कम हो रही है। इन सब के बावजूद मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा और रायसेन जिले में हो रही भारी बारिश के कारण राजघाट, माता टीला, गोविंद सागर, जामुनी जैसे बांध फुल हो गए हैं। बांधों से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण जिले की बेतवा, जामुनी, शहजाद जैसी नदियां उफान मार रही हैं। हमीरपुर जिले में भी अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहां से गुजरने वाली यमुना और बेतवा नदी उफान पर है। कई गांवों में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सैकड़ों एकड़ फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी का कहना है कि जलस्तर में कमी आई है, साथ ही प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर रखी हैं। वहीं ललितपुर में बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद मौरानीपुर तहसील में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। झांसी के पचवई गांव को जाने वाले कई रास्तों पर करीब 15 फीट तक पानी भर गया है। भारी बारिश और बांध के पानी छोड़े जाने से ग्रामीण अपने ही गांव में कैद होकर रह गए हैं। ग्रामीण मजबूरन जान जोखिम में डालकर रास्तों को पार करते हैं। वहीं बारिश के कहर की वजह से बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मथुरा के थाना नोह झील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां आगरा से नोएडा जा रही तेज रफ्तार बस गिट्टी से भरे डंपर से टकरा गई। हादसे में करीब 20 लोग ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बाराबंकी में आज बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां बिहार से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार वोल्वो बस पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। शाहजहांपुर जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। मेडिकल कॉलेज में तब्दील होने के बाद यहां मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते मरीजों का इलाज जमीन और ट्रॉली पर लिटाकर ही किया जा रहा है। ऐसे में जिला अस्पताल में रोजाना आ रहे सैकड़ों मरीजों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं।
जौनपुर के शाहगंज रेलवे स्टेशन के माल गोदाम में सरकारी अनाज की सैकड़ों बोरी बारिश के चलते भीग गई। बताया जा रहा है कि निजी कर्मचारियों ठेकेदारों की लापरवाही के चलते गेहूं भीगा है। हालांकि कर्मचारियों ने तिरपाल पन्नी के सहारा लेकर गेहूं को बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से गेहूं भीग गया। लखीमपुर खीरी में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। गाजियाबाद की यशोदा हॉस्पिटल के बैनर तले फिट मूवमेंट के तहत हाफ मैराथन 2019 का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने भी फिट रहने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह की तुलना डेंगू से की है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के 2 साल के मौके पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आसपास डेंगू घूमते। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रीतम सिंह के 2 साल से कौन सा डेंगू उनके आसपास घूम रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि असली डेंगू तो प्रीतम सिंह के चारों तरफ ही घूमते रहते हैं। मुख्यमंत्री रावत ने शनिवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा से हुए नुकसान तथा राहत कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने डेंगू की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने इस संबंध में सतर्कता बरतते साथ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य निर्वाचन आयोग के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यक्रम में संशोधन करना पड़ा है। संशोधन के तहत प्रथम चरण के लिए मतदान अब 6 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को होगा। 6 अक्टूबर को महाअष्टमी का पर्व होने के चलते ये परिवर्तन किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने बैठक करते हुए जिला पंचायत सदस्य के पार्टी प्रत्याशियों के चयन के लिए 12 जिलों में प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। राज्य के सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ रहे ग्रेजुएशन लेवल पर सेमेस्टर सिस्टम खत्म होने का शासनादेश जल्द जारी किया जाएगा। सेमेस्टर खत्म होने का फायदा इस साल ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले बच्चों को मिलेगा। हरिद्वार देहरादून और रुड़की में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की जांच अब ऊधम सिंह नगर जिले तक पहुंच गई है। ऊधम सिंह नगर जिले में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के लिए एसएसपी के आदेश पर एक सीओ और 4 सब इंस्पेक्टर सहित कुल 16 पुलिसकर्मियों की एक टीम गठित की गई। रुड़की में ड्रग्स विभाग एवं खाद्य औषधि विभाग ने मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। इस दौरान बिना लाइसेंस के चल रहे 3 मेडिकल स्टोरों को सील कर दिया गया। हुए तीनों स्टोरों से भारी मात्रा में नारकोटिक दवाइयां भी टीम ने अपने कब्जे में ली। रामनगर के पास बैल पड़ाव रेंज में एक बार फिर से गुलदार का शव बरामद हुआ है, जिसे वनकर्मियों ने शनिवार को गश्त के दौरान देखा। विभाग की माने उसकी मौत आपसी संघर्ष में हुई। हालांकि मौत के कारणों को जानने के लिए इसका पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। हरिद्वार में गंगा की सालाना सफाई को लेकर 4 अक्टूबर से दीपावली तक गंगा नहर बंद रहेगी। भीमगौड़ बैराज में यूपी सिंचाई विभाग गंगा नहर बंद करेगा। हर की पैड़ी पर 200 क्यूसेक जल की उपलब्धता रहेगी। देहरादून के शीशमबाड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आरडीएफ यानी कि रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल हिमाचल के बाघा में सीमेंट फैक्ट्रियों में बेचा जाएगा, जिस पर अक्टूबर महीने तक फैसला होने की पूरी संभावना है। शीशमबाड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग सीमेंट बनाने या बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। नगर निगम का प्रतिदिन 250 से 300 टन कूड़ा शीशमबाड़ा प्लांट में लाया जाएगा, जिसके प्लांट में खाद बनाई जाती है। विंटर रेन नहीं होने से गर्मी में नैनीताल पर पानी का संकट होने की आहट दिखने लगी है। 2017 में 57% और 2018 में इस बार 28% कम बारिश के बाद झील में 3 फीट पानी कम है। 9 फीट पर वाटर लेवल आने से इस बार झील के गेट भी नहीं खोले जा सके। वहीं अगर 9 ml पानी झील से निकासी की गई तो 10 अप्रैल को ही झील जो है वो शून्य पर पहुंच जाएगी। 2017 में 15 जून तक 3,084 mm बारिश दर्ज की गई थी, जो 2018 में 1,831 रह गई, तो 2019 में अब तक मात्र 1,320 mm ही बारिश हो पाई। एनसीआरबी के आंकड़ों के क्राइम के मामले निपटाने में उत्तराखंड की पुलिस सबसे आगे निकल कर आई है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने देश की 22 राज्यों के पुलिसिंग को लेकर सर्वे कराया था। सर्वे में पुलिसकर्मियों का साथी महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार, राज्य में बढ़ते क्राइम और क्राइम के मामलों के निस्तारण सहित 13 बिंदु शामिल किए गए थे। इसमें कुछ 1-2 बिंदुओं को छोड़कर उत्तराखंड की पुलिसिंग टॉप 5 में। भारत के लक्ष्य सेन ने बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है। उन्होंने फाइनल में विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी डेनमार्क के लिन क्रिस्टोफर्सन को 21-14 और 21-15 से मात दी।
लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में डेनमार्क के ही किम ब्रून को 21-18 और 21-11 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। 11 सितंबर से शुरू हुए चैंपियनशिप का फाइनल 14 सितंबर की रात खेला गया। लक्ष्य की जीत से उत्तराखंड में खुशी का माहौल है। टिहरी डैम के झील के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से टिहरी झील में सटे गांव में खतरा पैदा हो गया। झील का जलस्तर 826.95 मीटर पहुंच गया और डैम से 277 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। हरी झील से सटे रोलकोट उप्पू भटकांडा गांव वाले लोग 825 मीटर झील का जलस्तर पहुंचने से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। झील का जलस्तर बढ़ने से गांव में भूस्खलन और भूधसाओं का खतरा बढ़ गया है, लेकिन टीएचडीसी और पुनर्वास विभाग द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र का कूड़ा खो नदी में डाले जाने से मामले में निगम की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। नियमों को ताक पर रखकर खो नदी के तट पर बनाया गया ट्रंचिंग ग्राउंड का मामला एनजीटी में पहुंच गया है। कोटद्वार की एक संस्था ने नदी तट पर बने ट्रंचिंग ग्राउंड को पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बताते हुए इसके खिलाफ एनजीटी में शिकायत की है। एनजीटी में की गई शिकायत में ट्रंचिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने की मांग के साथ ही नदी तट पर कूड़ा डालने पर रोक लगाने की मांग भी की गई। चंपावत में इंडो नेपाल बॉर्डर पर अवैध तरीके से निजी बाइक से एक देश से दूसरे देश में लोगों को छोड़ने का काम चल रहा है। देश की सुरक्षा के को खतरे में डालने वाली यह तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गई। दोनों देशों के लोगों को चंद रुपयों के लालच में अपनी बाइक में बिठाकर इस देश से उस देश और उस देश से इस देश छोड़ते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा खतरा नजर आ रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। बीजेपी नेता विनय कटियार ने अयोध्या में कहा कि देश के अंदर एक ऐसा संविधान, एक ऐसा कानून लागू होना चाहिए और सभी कांग्रेसी नेता जिन्होंने काला धन छिपा कर रखा है सब जेल में जाएंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद अपना जन्मदिन मनाया और राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास समेत कुछ साधु संतों से मुलाकात की और इसके बाद कार सेवक पूरम जाकर गौशाला में गो पूजा भी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय के लोगों ने एक रैली निकाली और कश्मीर से धारा 370 हटाने का समर्थन किया, साथ ही आभार जताया। इस मौके पर कई देशभक्ति गीत भी गाए गए। आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन मारा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमजा बिन लादेन के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। इस साल अगस्त में अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि हमजा बिन लादेन मारा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमजा बिन लादेन एक अमेरिकी आतंकवाद विरोधी अभियान में मारा गया है। हमजा की मौत अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में हुई। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी के दो संयंत्रों पर ड्रोन अटैक हुआ। अटैक के बाद इन संयंत्रों में आग लग गई है। सऊदी के गृह मंत्रालय के मुताबिक तेल कंपनी सऊदी अरामको के दो तेल संयंत्रों पर ड्रोन में हमला किया गया। ये दोनों तेल संयंत्र अबकैक और खुरैस इलाके में स्थित है। इस हमले के लिए 10 के आसपास ड्रोन भेजे गए थे। अरामको के औद्योगिक सुरक्षा दल ने आग पर काबू पा लिया है। संयंत्रों में लगी आग का वीडियो वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से भारत के साथ युद्ध का राग अलाप दिया है। हालांकि इस बार उन्होंने माना है कि भारत के साथ पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान को हार मिल सकती है और इशारों में दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की संभावनाएं भी उन्होंने जताई। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अंत तक लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए जब परमाणु शक्ति से संबंधित देश लड़ेंगे तो उसके लिए अपने नतीजे होंगे। इमरान ने ये बात एक मीडिया ग्रुप को दिए इंटरव्यू में कही। इंटरव्यू में इमरान ने खुद को शांतिवाद बताया। जापान में 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या पहली बार 70,000 के पार पहुंच गई है। जापान में बुजुर्ग समाज में लगातार 49वें साल बढ़ोतरी हुई है, जबकि जन्म दर कम हुई है। स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 100 साल के महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। जापान में 100 साल की उम्र को पार करने वाली महिलाओं की संख्या 62,775 है, जबकि पुरुषों की संख्या 8,463 ही है। 116 साल के बुजुर्ग काने तानाका फुफू ओका सबसे ज्यादा बुजुर्ग जापानी है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर से पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की और कहा है कि माही का कोई विकल्प नहीं है। विराट ने पुराने दिनों की याद करते हुए कहा कि धोनी कई बार बोल चुके हैं कि उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है। धोनी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा भारतीय क्रिकेट के बारे में सोचते रहते हैं। वो कब संन्यास लेंगे ये उनका निजी फैसला है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर का मानना है कि रोहित शर्मा टेस्ट में शीर्ष क्रम में खेलते हुए अगर पैर जमा लेते हैं तो भारतीय टीम में वो लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं जो अभी तक उनकी पहुंच से बहुत बाहर है।
आपको बता दें कि सीमित ओवरों में भारत की ओर से नियमित तौर पर पारी की शुरुआत करने वाले रोहित को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में बतौर सलामी बल्लेबाज चुना गया है। रोहित को मौका लोकेश राहुल की असफलता के बाद मिला है। साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर लांस क्लूजनर ने टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लेकर बड़ा बयान दिया। लांस क्लूजनर ने कहा कि ऋषभ पंत जैसी बेहतरीन प्रतिभा के धनी खिलाड़ियों को खुद के बजाय अन्य की गलतियों से सीख लेनी चाहिए। क्लूजनर ने कहा कि निकट भविष्य में भारत के लिए और अधिक निरंतर प्रदर्शन के मद्देनजर पंत को ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा क्लूजनर का मानना है कि पंत की काबिलियत देखते हुए वनडे और टी20 में उनकी औसत बेहतरीन नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो समय से आगे चल रहे हैं। खराब फॉर्म में चल रहे भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक 24 सितंबर से 16 अक्टूबर तक होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में तमिलनाडु टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। टीम में ऑलराउंडर विजय शंकर और वाशिंगटन सुंदर को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा भारतीय टीम से बाहर मुरली विजय और अभिनव मुकुंद को भी टीम में जगह मिली है। तमिलनाडु टीम फिलहाल तिरुपुर में अभ्यास शिविर में भाग ले रही है। और अब आप देखिए क्या हुआ जब जूनागढ़ में रात में रिहायशी इलाके में घुस आया शेरों का एक झुंड। खबरदार, सावधान, होशियार। जूनागढ़ में जरा होशियार ही रहना, सड़क पर सोच समझकर ही निकलना, अकेले तो निकलने की सोचना भी मत, क्योंकि बढ़ गया है शेर का इलाका। सड़क पर शेर परिवार, सड़क पर वनराज की मस्ती। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात। जी हां, इस शेर परिवार में पूरे 7 सदस्य, एक से बढ़कर एक खतरनाक, खूंखार, भयानक, जो रात के सन्नाटे में जूनागढ़ में मस्ती कर रहे हैं, सड़क पर बेरोक टोक घूम रहे हैं। भला किसी की क्या मजाल जो इनसे पूछ भी ले। हाँ, शेर के आने से कुत्तों में दहशत है, जोर जोर से भौंक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को आगाह कर रहे हैं, सावधान, होशियार रहना, शेर परिवार शहर में है। खबरदार, घर में ही रहना, शेर परिवार सड़क पर मस्ती कर रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर जूनागढ़ की सड़कों पर 7 शेरों का झुंड क्यों निकला है। जूनागढ़ शहर के बहुत करीब गिरनार वन्य जीव अभयारण्य है, जो 40 एशियाई शेरों का निवास स्थान है। दुनिया में केवल गिर जंगलों में एशियाई शेर पाए जाते हैं। अभयारण्य पास होने की वजह से अक्सर शेरों के झुंड शहर में आ जाते हैं। रात में शेरों के झुंड इन सड़कों पर निकल आते हैं और सुबह रोशनी होने पर वापस जंगलों में चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर शेरों की चहलकदमी खूब वायरल है, ऐसे नजारे अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इंसान जंगलों पर कब्जा करेगा तो शेर भी घरों के दरवाजे खटखटाएंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।